हाँ ऋषि, राखी का सॉन्ग काफी मतलब ही है। मम्मी के बोलो सारा कमाओ सारा जना और मन्ने बना के दो सारा जना। मेरे को पापा को देखती हूँ ना, मेरे को प्यार मेरा अंदर से उतर जाता है। बैठ जाओ ऐसे। रुको रुको ये बेटा कर लेने दो रिकॉर्डिंग प्लीज। आवाज़ें कर रही क्यों? हेलो सौ का मगनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति और मुझे कब से मैंने एक दो बार रीटेक ले लिया क्यों मुझे ना रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रही। मैं जैसे कैमरा ऑन कर रही हूँ वो आवाज़ें निकाल रही है और शायद मेरी आवाज़ से थोड़ा पता चल रहा होगा। अभी मेरे को वापस से कोल्ड हो गया है। आप लोग सोचते होंगे कि हर बार मुझे कोल्ड कैसे होता है, तो मैं बता देती हूँ मेरे को एलर्जी है और मतलब साइनस है मुझे, जिसमें मुझे अधिकतर चीज़ों से एलर्जी है। लाइक अगर फैन की हवा लग गई या एसी की हवा लग गई या मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, जैसे आज हमारी हाउस हेल्पर नहीं आई तो मुझे झाड़ू निकालने से हो गया। अगर मैं मान लो छौंक अगर किचन में लग रहा है, मैं वहाँ खड़ी हूँ, किसी भी चीज़ से ना मुझे अचानक से छींके शुरू हो जाती है और एक साथ आपको स्टॉक में आती है, सडनली शुरू होती है और उसी तरह से ना बंद भी हो जाती है। मतलब ऐसा वाला है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई बटन को ना ऑन और ऑफ कर दिया हो। मतलब इस तरह से मुझे छींके आती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने बहुत बार डॉक्टर को दिखा भी लिया है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसीलिए मैं इस बीमारी के साथ जीना पसंद कर रही हूँ। मुझे लगता है आजकल तो हर दूसरे पर्सन को मुझे लगता है एलर्जी होगी। अभी तो आप इतना रो रहे थे और अब जैसे ही मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ जाती हूँ उस वाले घर, तब तो आप बिल्कुल नहीं रो रहे हो। क्यों बताओ मुझे क्यों रो रहे थे? अभी तो इतना आराम से बात कर रही हो। यार किशु आप कैसे हो? अभी तो आप रोए जा रहे थे। स्कूटी कहाँ है मुझे बताओ, स्कूटी ढूंढो। दादू की स्कूटी कहाँ है बेटा? इधर किधर नहीं है क्या? वोरी वोरी वोरी, चलो आगे खड़े हो जाओ, भागो। मैं ना कंटिन्यू फोन करे जा रही हूँ सूर्य भैया भाभी साहब को, किशु रो रही है, किशु रो रही है, किशु को ले जाओ, है ना। और गाड़ी यहीं खड़ी है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। हद हो गई भाई साहब की भी। आ जा किशा, आ जा बेटा, तेरे डैडी ने देख लिया, झूठ बोला बेटा। मेरे को लगा कहीं बाहर होगा, बिजी होगा, खाना खाने भी नहीं आया आज भाई साहब। मैं भी फ़ोन करती हूँ, अभी बताती हूँ उनको। किशु मैं फ़ोन कर देती हूँ, ऊपर आप चले जाओगे बेटा? आप चले जाओगे? मैं यहीं खड़ी हूँ जब तक आप ऊपर नहीं पहुँच जाओगे, ठीक है? नहीं जाओगे? मैं छोड़ के आऊँ? चल। पापा क्या डांटते हैं, तेरे पापा ने उल्लू बनाया ऊपर, उनको आ जा बेटा। अभी मैं सूर्य भैया को ऊपर पकड़ूंगी और देखते हैं भैया मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, फिर गाड़ी छोड़ के कहीं गए हैं। बस आपकी लग रही है मैं फ़ोन कर रही हूँ। कोई वैल्यू नहीं है उस फ़ोन की। यार ड्रेस तो नया अच्छा पहना यार, यार कितना सूट ले रखा है यहाँ। देखो आपके पास आए कितनी खुश हो गई है। यार आप बोल रहे हो भाई साहब आ गए, भाई साहब भी तो गाड़ी खड़ी है। जितू भी ऐसा करिए ना, और सूट कटू ले आया, देख लो स्टिच कराया आपने, उसके बाद भी मंगवाए? नहीं स्टिच कराया सही में। और ये भी अच्छा लग रहा है देखा, ये वाला अगली नहीं कह दियो मैं। अच्छा कोई डिजाइन नहीं दी? ये रूम से इतनी अच्छी स्टिचिंग क्यों हो जाती है? ये ऐसे वैसे ये डिजाइन कोई करके नहीं आया, ये कुर्ते में नहीं था, ये बस ऐसा कुर्ता था। ये ऐसी कौन है भाई, एकदम सस्ती एंड टिकाऊ। कौन? तो मेरी गलतफहमी हुई थी, सूर्य भैया जीतू भाई साहब के साथ गए। जीतू भाई साहब जो हमारे कजन ब्रदर है, सूर्य भाई साहब से बड़े हैं, आई थिंक थोड़े से बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो मैं फटाक से अब घर जाती हूँ। रे फटाक वर्ड मुझे लग रहा है ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाएगा, मैं हर बात में यही बोलती हूँ। क्यों जागने जाए? मैं और क्यू अभी उठे हैं चाय पीने के लिए, मस्त नींद निकालने के बाद, है ना क्यू? माँ बेटी हम सोए कम से कम 2-3 घंटे, क्योंकि मुझे ना कोल्ड भी हो रखा है, है ना, खांसी भी हो रखी है मम्मा को, है ना। बस ये चाय बन जाए फिर चाय पियेंगे। और मम्मा और भाभी सबको मेरी चाय, आई थिंक रील बना रहे हैं, और रील के पीछे की कहानी मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़ों की कैसी हालत कर रखी है। ये हालत देखो कपड़ों की, फटफट कपड़े चेंज किए, फटफट नीचे जा रहे हैं रील बनाने के लिए। ये हमारा ऋषि उठ गया, उठ जा बेटा, नींद में है क्या अभी? फनते फनते चाय बच गई, थोड़ी सी बच गई। ऋषभ रील कहाँ बन रही है देखना, मैं अपनी मम्मी कहाँ नजर आ रही है।
थे तो नीचे ही गार्डन में, फिर कहाँ चले गए? और आज मैंने देखो ये बेडशीट वगैरह भी धोई क्योंकि बहुत ही गंदी हो रखी थी। रक्षाबंधन से पहले पहले मैं सोच रही हूँ मिशु का मुंह दिखाओ। मिशु का मुंह दिखाओ? मिशु क्या कर रही है? तो रिशु हमारे मिशु ही बोलता है, रिशु किशु और ये मिशु। तो रक्षाबंधन से पहले पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे घर की बेडशीट धो दूँ एक बारी। कभी बाहर जाना है गार्डन में? गार्डन में जाना है? हाँ, कीवी को गार्डन में जाना है घूमने के लिए। सारे बच्चे देखो साइकिल चला रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। आप जाओगे? मम्मा को बता दो, जाओगे आप? और अब भैया को चोरी करते हुए पकड़ते हैं आपके ऋषभ भाई साहब को। देखो ऋषभ की चोरी पकड़ी गई। मामा इधर मुंह करना। हाँ दिखाना। ऐसे तो फिर आपको सारी चीजें ही पहन लेनी चाहिए। हाँ। थी माँ ओढ़नी ओढ़ो और पापा के जाओ, मैं करा लिया। क्या क्या बोल रहे? मैं करा लिया। लो मम्मा गले का भी पहनो। मम्मी एक बात है, आपको प्रॉपर तैयार करके एक बार फिर से आपकी वो करेंगे यार, पापा के साथ करेंगे फोटोशूट, क्योंकि अकेले का तो कर रखा है। फिर आपकी बड़ी सी फोटो निकलवाएंगे, है ना किशा? एम आई राइट किशा? और ये बिहाइंड द सीन भाई साहब, आपने कभी ये बिहाइंड द सीन दिखाओ यार। यार एक बात है, जज्बो तो है, वापस सामने टीवी रहा हूँ मैं तो, इरिटेट हो जाऊँ इतनी देर में। रील भी बना रहे हो और सामने टीवी रहे हो और पैर भी रहे हो, हैट्स ऑफ यू मैन। मम्मी ये बना रहे हैं, बना रहे हैं। दूधी कौन है बेटा जी? भाई साहब बाकी नहीं, और मैं देख दो, और मैं देख नहीं। मम्मा पूरी ज्वेलरी पहनो ना, हथफूल पहनो, हथफूल भी तो पहनो। हाँ ऐसे क्या भाग रहे हो आप, जल्दबाजी कर रहे हो। पहनो पहनो बाकी चीजें भी पहनो, लो कुम पहनो। किंग माइन का ये कुछ भी पहनो, आप तो घड़े ही फूट रहा हो कम। स्टाइलिश मम्मी है, आप तो घड़े ही फूट रहा हो कम। लो पहनो मम्मा, मर मम्मी ही बोले ना। और ये लुगड़ी में नरक तो दौड़ा बाड़ी चले गए। हाँ मम्मा ओपन हेयर, लो वैसे दीजो सामान दीजो। मम्मी मम्मी के के, के बोलो सारो कमाओ सारा जना, मन्ने बना के दियो सारा जना। अब है ना मम्मा दोनों की शादी होगी, आपने डाल दिया सब कुछ, अब आपकी होनी चाहिए बारी, है ना। वाह मम्मा वाह। मम्मा आप है ना जैसे तैयार होते हो ना, आप में मेरा डाड़ो आने लग जाए। अपन दोनों माँ बेटी सही में एक जैसे लगते हैं। मम्मी आंखें थोड़ी कम काटो जी, हुकुम बोली मोटी मोटी लाग रही है आपकी। ए आंखें तो बोली मोटी लाग रही है भगवान के सब। ऐसे चलानी है क्या? नहीं नहीं लाइटिंग नहीं, नहीं आप वाले फोन में तो नहीं है हुकुम। मुझे तो इनका फोन में लगता है हमेशा। आज दुल्हन बन के कहाँ जा रहे हो? माँ भाई साहब अरे यार लग गई उसके। किशा उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा उठ जा। ले मैं मतलब उमड़ उमड़ के माइंड आए, उमड़ के जैसे गोद में बैठ जाऊं। ओह माय गॉड, सामने में ऐसे बैठती नहीं हूं, ऐसे बैठ जाऊं ऐसे। रुको रुको ये बैठे रहिए, ये बैठे रहिए। नहीं पापा, भाभी साहब मैं कितनी बार कह दियो आपकी कसम, लास्ट टाइम भी मैं तैयार कराने जब भी गयो, ए लोग मानने ही कौन जना। हां कि दोनों के सागे एक भी फोटो होनी, एक भी नहीं तैयार होके प्रॉपर ज्वेलरी और ऐसे हाथ लगा रहे हो आप ऐसे। हाँ
अभी आपने देखा होगा किस तरह से हम लोग मस्ती कर रहे थे ना। हमारे मम्मा क्या बहुत रोमांटिक हैं ऐसे तो मम्मा पापा दोनों ही हैं, लेकिन हाँ समटाइम पापा ना ऐसे थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन इन्जॉय तो वो भी करते हैं मम्मी के साथ जिस तरह से मम्मी करते हैं ना उनको छेड़ते हैं। अब मैंने सोचा कि उन्हें बर्तन साफ़ कर ले जाए, बहुत सारे बर्तन पड़े थे क्योंकि शाम को फिर खाना भी बनाना है, तो किचन में पहले बर्तन साफ़ हो जाए तो सिंक खाली हो जाता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे बीच में पापा आ गए थे, फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोने चालू कर दिए और अब मैं और ऋषु मस्ती करेंगे। और ये मेरा भतीजा ऋषभ देव सिंह राठौड़। मुझे राखी पर आप क्या दोगे? वैसे तो भतीजे को नहीं देना चाहिए, मैं भतीजे को दूध देती हुई अच्छी लगूंगी, है ना? क्या? मैं ऋषभ से मांग रही हूँ कि बुआ को क्या देगा। मामा ऋषभ मुझे देगा या मैं ऋषभ को दूंगी? बुआ मिस ले भतीजे मिस दे तो मिठाई ले आई खतर। मिठाई से तो क्या होगा, ऋषभ को तो कुछ और ही चीज चाहिए। क्या चाहिए ऋषि बता दे। वो वाला पेन, मल्टी कलर पेन। इसको इतने सारी पेन पसंद है, मल्टी कलर पेन पसंद है इसको, है ना? तब कुछ बोल के बता दो मुझे। मल्टी कलर पेन चाहिए। ओके डन, ओके डन, ओके डन। वाह वाह सोन पापड़ी ना ले वाह। ऋषि हाँ वाह। हाँ ऋषि राखी को सोन पापड़ी मत लाइए। नहीं माने भावे कौन की? हाँ भावे कौन की? ओ मम्मी क्या बोला पता है, सस्ती हो वे। बहुत घनी सस्ती हुए, रसगुल्ला ले आओ और चक्की ले आओ कुर्सी। अब तो ऋषभ एक डब्बा काजू का, ऋषि अब तो एक डब्बा तो सोन पापड़ी लाऊंगी लाऊंगी मैं। नहीं बुआ नहीं, नहीं दी जाएगी। अब तो बेटा खानी पड़ेगी सोन पापड़ी। आपकी और बुआ की कसम नहीं लाना। ओ क्या बोला पता है, हुकुम की कसम चढ़ाई है इसने। अब इसको क्या फूफो सा तो जल्दीबाजी में याद आया नहीं, आपको बुआ की कसम है। मैंने जब से सोचा है कि मुझे ना बाल लंबे करने हैं, उसके बाद से मुझे ना दिख तो रहा है कि यार बालों में ना फर्क तो नजर आ रहा है साफ साफ, मेरे बाल लंबे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, लेंथ काफी काफी सही हो गई है। और क्योंकि आपको पता है दिन में 2 से 3 बार कपड़े धुल ही जाते हैं, बच्चा भी घर में है, तो इसलिए तो मैंने 1-2 बार तो सुखा दिए थे, लेकिन जब भी फिर से हो गए तो मैंने मशीन में डाले थे, अब मैं इनको सुखा रही हूँ। और क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है तो मैंने अपने लिए फिर गर्म पानी किया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी अगर जुकाम खांसी कुछ भी हो तो अगर आप वार्म वाटर पीते हो तो आपके लिए सही रहता है, तो इसीलिए मैं इस बॉटल में भर लेती हूँ। इस बॉटल में लिटरली ना सुबह तक भी पानी ठंडा नहीं होता है। अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं पापा के लिए अजवाइन वाली रोटी बना रही हूँ। पापा शाम को मोस्टली ना अगर रोटी बनानी है तो उनके लिए मतलब पराठे बना दो, उसके अंदर घी ऐड कर दो, अजवाइन डाल दो थोड़ी सी, और फिर उसको बना दो। लेकिन वो ऊपर उसके घी नहीं लगवाते, मतलब सिर्फ पराठे के अंदर घी लगा दो, उनको वही चाहिए होता है। और मुझे ना किसी और ने भी आज कॉमेंट किया था, मैं उनको बता दूँ, मैं आजकल रोटी नहीं सेकती हूँ नीचे ना, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कॉमेंट में ही, और मैं उस बात को फॉलो करती हूँ। मैं अब ना जब भी रोटियाँ सेकती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है तो मैं उसको गैस पे डायरेक्ट नहीं सेकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय, टेक केयर।